हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन द फोर्स प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट। फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट, क्या है, एक्सेप्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स। क्या चीज है एक्सेप्ट? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारा क्या होगा, या फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वर्क नहीं होगा, बाकी किसी भी डायरेक्शन में होगा तो वर्क होगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन किया गया? मान लो कोई बॉडी है जिसपे मास एम है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, इससे किसी भी एंगल थीटा पे मैंने एक फोर्स लगा दिया एफ। ठीक है, तो मान लो कि कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, ठीक है, डी एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क कैसे डिफाइन किया गया? डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स डॉट डी एस, ऐसे डिफाइन किया गया। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया गया। ओके, तो हमारा कोई भी एंगल हो इसके बीच में, ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी एस। तो अगर ये यहाँ पे बात करें कि परपेंडिकुलर एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा, फोर्स को अगर परपेंडिकुलर ले लिया एफ साइन थीटा, ठीक है, तो दोनों के बीच में हमारा क्या हो गया, एंगल 90। अगर 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के एंगल 90 होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, एक्सेप्ट परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन में होगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। ठीक है, तो इससे हमारा फॉर्मूला निकाला गया, दैट मीन्स एफ डी एस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डी एस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डी वर्क। तो वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई यहाँ पे, वेक्टर या स्केलर? वर्क की अगर बात करें तो वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर, या हम लोग बोले तो क्या, कोई भी मास को मैं किसी भी डायरेक्शन में ले जाऊं तो क्या वर्क, आपको ये थोड़ी बोला जाता है कि साउथ, इतना वर्क साउथ में किया, इतना वर्क लेफ्ट में किया। ठीक है, आपको अगर 5 जूल मिला तो 5 जूल साउथ वर्क तो नहीं बोलोगे, ऐसे बोलोगे 5 जूल वर्क किया। ठीक है, डायरेक्शन उसमें नहीं होता है, फोर्स में डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। मीन्स ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर है तो कैसा हो सकता है वर्क, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, हमारा वर्क दोनों तीनों हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है, अब बताओ, यूनिट जूल, ये एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, अगर सीजीएस यूनिट में बात किया जाए तो 1 अर्ग होता है, ई आर जी। ओके, तो 1 अर्ग इक्वल टू कितना होता है, फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं सीजीएस में, डायन एंड 1 cm। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 g/cm² per s² ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा cm/s² इंटू cm² मीन्स 10^-7 जूल, ऐसे लिख सकते हैं ना। मीन्स 1 जूल इक्वल टू हाउ मच, 1 जूल इक्वल टू 10^-7 अर्ग, ऐसे लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट में हो गया। अब अगर 1 जूल इक्वल टू 10^-7 अर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, हम लोग इसमें बात कर रहे थे वर्क के बारे में, ये तो इसके वर्क का कुछ कॉमन थिंग्स हो गया कि वर्क स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, इसकी एसआई यूनिट जूल हो गई, 1 अर्ग इक्वल टू 10^-7 जूल या 1 जूल इक्वल टू 10^-7 अर्ग हो गया। ठीक है, अगर यहाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से कुछ वर्क हुआ है तो अगर टोटल वर्क निकालना हुआ, ठीक है, टोटल वर्क निकालना हुआ, वर्क डन टोटल, तो आप क्या करो, इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, एफ डॉट डी एस को, ठीक है, इंटीग्रेट कर लो, आपका निकल जाएगा टोटल वर्क डन, इंटीग्रेट करके भी निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें वर्क की, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बोलूं कि ये पेंडुलम है, ठीक है, ये आपका क्या है, पेंडुलम है। ठीक, इसको मैं ऐसे इसे ओसिलेट कराया, ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पे है, ये कैसे ओसिलेट कर रहा है, ऐसे, ठीक है, एक सर्कुलर आर्क में अगर कर रहा है तो मैं पूछूं वर्क डन बाई टेंशन, अब बताओ तो वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा, इस केस में टेंशन किधर लगेगा, ऑलवेज इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, हमेशा
इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन के बीच में क्या है, टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, टी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी एस, यही है टेंशन, टेंशन इज ऑल्सो ए फोर्स, ये दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो वर्क डन बाई टेंशन हमारा क्या हो गया जीरो, क्या हो गया वर्क डन बाई टेंशन जीरो, ठीक है ये समझ में आ रहा है। वैसे अगर पूछा जाए कोई भी प्लैनेट के बीच में, जैसे सन और अर्थ के बीच में, सन क्या है, सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है मतलब हमारा अर्थ, ठीक है, तो अगर इसके अबाउट घूम रहा है सन, सपोज मान ले सन एंड अर्थ के बीच में, ठीक है, अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे मान लेते हैं सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इलिप्टिकल में घूमता है, मान लेते हैं सर्कुलर में घूम रहा है, तो इसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा सन और अर्थ के बीच में, तो आपसे पूछा जाए बताओ वर्क डन ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन कितना होगा, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 90, मींस ड्यू टू दिस इज जीरो, ठीक है, मींस एक्चुअल मीनिंग ऑफ डी एस इज क्या होता है इसमें, अब मैं क्या बोल रहा हूँ अभी ध्यान से समझते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे एक स्पंज रख दिया, ठीक है, स्पंज, स्पंज मीन्स क्या है, जैसे फोम टाइप का, थर्मोकोल टाइप का ही आप ले लो, यहाँ अगर फोर्स लगाया तो क्या होता है, कुछ तो कुछ ऐसे प्रेस हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, हाँ ऐसे प्रेस होगा फोर्स, तो इसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ इतने का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इसे मान लो कि स्पंज है जो हम प्रेस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डीएस है क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में डीएस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, व्हाट इज डीएस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ये चीज ध्यान में रखना, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, जो भी हम लोग बॉडी पे लगाते हैं वो क्या होता है, बॉडी, रिजिड बॉडी ले लेते हैं, इसलिए रिजिड बॉडी अगर मानते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पॉइंट पे लगाएंगे तो कोई बॉडी अगर डिफॉर्म नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा मूव करता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीएस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ठीक है, तो इस केस में अगर आपसे बोला जाए कि आप बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक क्या हुआ, तो आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक तो क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक क्या बोलोगे, डी एस ऑफ ब्लॉक इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक क्या हुआ, जीरो, क्योंकि तो मूव तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल है, ठीक है, लेकिन मूव नहीं कर रहा, क्या इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन जीरो है, वर्क डन क्या होगा इसमें, वर्क डन नॉन जीरो होगा, क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हुआ, थोड़ा सा मूव किया है, मीन्स इतना डिस्प्लेस कर गया है, इतना डिस्प्लेस किया है, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा, हाँ डी एस हमारा क्या है इस केस में, ये हमारा जीरो है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमारा क्या है, डिस्प्लेस किया है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ क्या है, ये रहा इतना सा, ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे वर्क डन इस केस में जीरो नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, हम लोग क्यों बात कर रहे हैं हर एक जगह, अब तो आप पूछोगे कि नहीं अभी तो आपने लिया था वहां बोला कि डीएस जीरो, तो यहाँ पे हम लोग जो भी बॉडी ले रहे हैं मान ले रहे हैं रिजिड है, अगर रिजिड है तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे हमारा क्या है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लग रहा है इस केस में, तो ये पूरे बॉडी पे, तो हमारा बॉडी ही नहीं डिस्प्लेस कर रहा है, मीन्स ये पॉइंट नहीं मूव कर रहा, पूरा बॉडी नहीं मूव कर रहा, तो वर्क डन इसके केस में जीरो हो रहा है, ठीक है, ओके, लेकिन इस केस में हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, मूव कर गया, इसलिए हमारा ये वर्क डन जीरो नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डीएस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे ही एक और प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, जिस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कितना, F इक्वल टू 2i + 4j + 3k का, ऐसे फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है, और कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट है A से B तक ले जाया जा रहा है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ 2i + 2, 1, 3, इसको मान लेता हूँ 4, 2, 5, ऐसे मान ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ ले जाने में, A से B तक ले जाने में कितना वर्क करना होगा, तो आप कैसे निकालोगे, फाइंड वर्क, तो आप कैसे निकालोगे, तो ये तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है वेक्टर फॉर्म में दिया है कोई बात नहीं, इसे भी वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं, कैसे 4 - 2i + क्या हो जाएगा 2 - 1j + 5 - 3
के कैप मीन्स डीएस भी निकाल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आप निकाल लिए, तो एफ डॉट डीएस होता है, वर्क डन हमारा क्या होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डीएस। तो डॉट प्रोडक्ट आप कर लोगे आई जे के का, या अभी मैं बताया कि अगर टोटल वर्क डन निकालना है, वर्क डन टोटल, तो आप क्या करोगे या तो इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, इंटीग्रेट कर लें कैसे, एफ डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये आपके सबके लिए काम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन यहाँ पे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लिए, सपोज कांस्टेंट नहीं होता तो क्या करते, अब यहाँ पे लिमिट का अप्लाई करना होता, तो लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का फंक्शन अगर आता है तो एक्स के साथ में इंटीग्रेट करेंगे, वाई का रहेगा तो वाई के साथ, जेड रहेगा तो जेड के साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, सपोज देखते हैं एफ की वैल्यू टू आई प्लस फोर जे प्लस थ्री के, क्या लिख सकते हैं टू आई प्लस फोर जे प्लस थ्री के, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबके साथ टू आई डॉट आई क्या होता है वन, टू एक्स लिमिट कहाँ से टू से फोर तक, ठीक है, प्लस ये क्या होगा फोर डी वाई जे डॉट जे वन, हाउ मच वन टू टू लिमिट, प्लस ये क्या है के डॉट के वन इंटीग्रेशन ऑफ थ्री जेड के कर, लिमिट कहां से कहां तक थ्री टू फाइव तक रख सकते हैं ना, हाँ रख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स इंटू हमारा डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है, इंटू अगर एक्स में लिमिट रखें तो फोर माइनस टू, ठीक है, फोर इंटू हमारा क्या हो जाएगा वाई का डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, वाई में लिमिट रखें तो अपर लिमिट टू माइनस वन, ओके, प्लस थ्री इंटू फाइव माइनस थ्री, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा फोर प्लस टू इंटू सिक्स मीन्स फोर्टीन जूल, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो आप निकाल सकते हो। और भी डिफरेंट टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लें कि आपसे पूछा जाए कि ये ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है, इस पे कितना 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया, कितने 37 डिग्री एंगल पे, ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, ठीक है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ जीरो है ये सरफेस का, ठीक है, सरफेस पे नो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड आउट द वर्क डन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आप वर्क डन बता दो कि कैसे निकालेंगे 2 सेकेंड में, और 2 सेकेंड में वर्क डन कैसे निकालेंगे, आपको तो वर्क डन पता है कि क्या होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ठीक है, आपके पास तो फोर्स तो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप ले लोगे फोर्स का, ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट है क्या आपके पास, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हाँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में मिल गया, कैसे, फोर्स दिया हुआ तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हाँ एक्सेलरेशन अगर निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो हमारा क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट का हमें फॉर्मूला पता है, काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि एस इक्वल टू हाफ ए टी एस, यूटी प्लस ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस ए टी स्क्वायर, तो यू हमारा जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर, 2 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन हुआ वो निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन पहले तो निकाल लिया, उसके बाद 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकाल सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, क्योंकि इधर ही डिस्प्लेसमेंट होना है, इधर मूव करना है, साइन कंपोनेंट में नहीं, ठीक है, कॉस कंपोनेंट मीन्स 10 cos 37 क्या हो गया, फोर्स अपॉन मास इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, फोर्स हमारा 10 into cos 37 4/5/2 5 2 जा 2 2 जा हाउ मच 4 m/s² ये हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ गया, हमें तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू हमारा क्या है जीरो, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हाफ ए टी स्क्वायर, डेट मीन्स हाफ ए क्या है फोर, कितने सेकेंड में निकालना है 2 सेकेंड में, मीन्स 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ 2 सेकेंड रखें 2 स्क्वायर 4, डेट मीन्स हाउ मच 8 m, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना निकल गया 8,
तो अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू एफ हमारा कौन सा कंपोनेंट लेना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट भी हमने कौन सा लिया, हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन का, ठीक है, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, फोर्स हमारा टेन कॉस 37 इंटू कितना 8, ठीक है, टेन कॉस 37, टेन इंटू 4/5 माइनस 8, सॉरी इंटू 8, 5 2 जा डेट मीन 64 जूल। ओके, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं वर्क डन, ठीक है, ये समझ में आया। और भी क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप के। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है 3 मीटर पे, अब क्या करो, हमें बताओ 3 मीटर चल रहा है तो कितना वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको बताया अभी कि आप क्या करोगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू आपको दिया हुआ है एफ डॉट डी एस, यही तो पता है हमें, लेकिन हमें टोटल वर्क डन निकालना है। यहाँ पे मान लो एक्स डिस्टेंस पे क्या जाकर, एक्स डिस्टेंस पे क्या चला, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे डी एस, एक्स डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करें, डी एक्स का डिस्टेंस चल रहा है जो भी है, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, ये फोर्स लगा इसमें डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसमें हमारा कितना वर्क कर रहा है ये हमें देखना है, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ तक, 0 to कितना 3 तक, तो हमारा एक टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो टोटल वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 to 3 एफ कितना है 4x + 2 × dx, ठीक है, 4x + 2 × dx, 4x हमारा क्या हो गया 4x² / 2 + 2x, 0 to 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, हाउ मच, अब लिमिट रखेंगे 2 × 3² + 2 × 3, -0 -0, ठीक है, दोनों 0, मिस 9 to 18 + 6 = 24 जूल, ठीक है, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 24 जूल, ठीक है। तो और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और भी देखते हैं हम लोग। अगर एरिया अंडर द कर्व दिया हो, ठीक है, एग्जांपल में एरिया अंडर द कर्व दिया हो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ऐसा दिया हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक्स का, कोई भी एरिया आपको बना दिया गया ऐसे रेंडम, तो आप क्या करोगे, इसमें वर्क डन कैसे निकालोगे। अब देखो अगर इसमें कोई भी स्ट्रिप ले रहे हैं, स्ट्रिप अगर लेते हैं तो इतना हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या है फोर्स, तो फोर्स इनटू हमारा स्ट्रिप का क्या होगा, अगर लेंगे तो स्मॉल वर्क डन आएगा, अगर स्मॉल वर्क डन का अगर कंप्लीट इंटीग्रेशन करें, जैसे स्मॉल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, यही तो होगा, इस स्मॉल वर्क डन को हम लोग अगर इंटीग्रेट करें तो हमारा क्या मिल जाएगा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन हमारा कब क्या होगा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप, तो ये क्या हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, पूरा एरिया क्या हो जाएगा, अगर पूरा इंटीग्रेट करते हैं तो मीन्स इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स, स्मॉल जो पार्टिकल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं मीन्स समेशन ऑफ ऑल दिस, ठीक है, तो ये हमारा क्या है इस एरिया का एडिशन कर रहे हैं, तो ऐसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल एरिया अंडर द एफ एस कर्व, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है, ये चीज, तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया है तो हमें क्या वर्क डन अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट उसका एरिया निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल में मान लो कि यहाँ पे क्या है फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा कुछ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, इसको 20 न्यूटन मान लेते हैं, इसको 3 मीटर एंड इसे 5 मीटर, ठीक है, अब एरिया कैसे निकालें, हमें वर्क डन कैसे निकाले पूछा जा रहा है कि एग्जांपल में वर्क डन आप निकालो, तो वर्क डन कैसे निकालें, तो आपको बताया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दिया हो, ठीक है, अगर कर्व तो उसमें क्या करना है एरिया निकालना है, तो यहाँ पे दो एरिया है, एक एरिया ये रहा एक एरिया ये रहा, अब दोनों अलग अलग एरिया निकाल लो चाहे दोनों साथ में निकाल लो, जैसे निकालने की इच्छा वैसे आप निकाल सकते हो एरिया, तो हम लोग क्या करें वर्क डन क्या होगा एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, ठीक है, तो अब एफ एक्स कर्व के अंदर का एरिया निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या है डायरेक्ट रेक्टेंगल 20 × 3 रेक्टेंगल हो गया, प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू हाउ मच 20 × 2, ये लिख सकते हैं 20 × हाउ मच
ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 60 प्लस 10 20 डेट मीन्स 80 जूल, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया अंडर कर्व निकाले तो वर्क डन आ गया। ठीक है, अगर फिर से टाइम वेरिएबल पूछ दिया जाए, टाइम वेरिएबल अगर फोर्स दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें सॉल्व करने में। ठीक है, अब टाइम डिपेंडेंट फोर्स अगर है तो कैसे वर्क डन निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर टाइम के फंक्शन में दे दिया तो कैसे हम लोग निकालेंगे वर्क डन। ठीक है, एक्स के फंक्शन में चलता रहता है तो वो तो इजी है कि इंटीग्रेट कर देते हैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर टाइम के फंक्शन में दे दिया तो कैसे हम लोग वर्क डन निकालेंगे, तो इसे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो वर्क डन आपका क्या होता है, एफ डॉट डीएक्स, यही होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमारा फोर्स कितना दिया हुआ है, टू टी स्क्वायर। अगर डीएक्स को मैं कहूँ कि डीएक्स बाई डी टी इंटू डीएक्स डी टी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड डीएक्स बाई डी टी हमारा क्या होता है, ये आप बताओ, वेलोसिटी वी इंटू डी टी लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, वी इंटू डी टी अगर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं है। ठीक है, वी इंटू डी टी इतना लिख सकते हैं। अब एक बात आप यहाँ पे देखो कि अगर एक्सेलरेशन की बात करो, यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ बाई एम मिस हाउ मच, एफ बाई एम मिस टू टी स्क्वायर बाई एम, इतना लिख सकते हैं ना। हाँ, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, डी वी बाई डी टी इक्वल टू टू टी स्क्वायर बाई एम, या डी वी इक्वल टू टू टी स्क्वायर बाई एम इंटू डी टी लिख सकते हैं। अगर जीरो टाइम पे हमारा क्या था, ये जीरो वेलोसिटी, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी वी हो गया। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो वी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई थ्री लिख सकते हैं, टी क्यू बाई थ्री, तो यहाँ पे टू टी क्यू बाई थ्री एम। ओके, ठीक है, अब ये वी की वैल्यू क्या करें, उठाकर यहाँ पे रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, टू टी स्क्वायर इंटू टू टी क्यू बाई थ्री एम डी टी। ओके, अब हमारा क्या टर्म आ गया, अब फोर टी रेस टू फाइव बाई थ्री एम। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं, यही हुआ ना आपका, फोर टी रेस टू फाइव बाई थ्री एम। ठीक है, अब हमें क्या है, इंटू डी टी डी डब्ल्यू इक्वल टू, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखते हैं हम लोग, आगे क्या करें, अभी इनसे इंटीग्रेट करना होगा, कहाँ से कहाँ तक क्या पूछा गया है हमें, टी नॉट सेकेंड तक, तो टी नॉट सेकेंड तक हम निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट। टी इक्वल टू जीरो पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा था, सॉरी इंटीग्रेशन मैंने गलत प्लेस पे लिख दिया, टी इक्वल टू जीरो पे कोई यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ था, नेट हमें वर्क डन निकालना है, टी इक्वल टू टी पे वर्क डन नेट देखते हैं। वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री एम, ये क्या है, टी रेस टू फाइव है तो इसका इंटीग्रेशन टी रेस टू सिक्स बाई सिक्स। ठीक है, ये अब इसमें कांस्टेंट टर्म भी आता है, कांस्टेंट हम लोग नहीं ले रहे हैं अभी। ठीक है, टू थ्री डेट मीन्स हाउ मच, टू टी क्यू रेस टू सिक्स बाई नाइन एम, हमारा वर्क डन टोटल ऐसे आ गया। ठीक है, ये हमारा वर्क डन निकला। तो ऐसे आपको वर्क डन निकालना एज ए फंक्शन ऑफ, अगर टाइम दिया जाए तो आप ऐसे निकाल लो वर्क डन बाई, अगर फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया तो आप ऐसे निकालो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो हर एक टाइप का लगभग क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है, अगर एंगल दिया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो भी किसी टाइम टी में अगर पूछा गया कि हाँ आप बताओ, तो भी अगर फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया वो भी निकाल लिए, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया गया तो वो भी निकाल लिए। ठीक है, अब ये सारे कुछ हो गया हमें। ठीक, अब हमें कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ना है कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कुछ भी ना समझ में आए तो मैं फिर से दोबारा इसे समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।